सेलेक्ट TC203। इस टाइमर के सेटिंग कैसी करते हैं मैं आज आपको ये दिखाऊंगा। इस टाइमर के सेटिंग करने के लिए पहले जो सेटिंग है ये नीचे का एरो वाला बटन दबाना है आपको। ये है आपका टेम्परेचर कंट्रोलर, किस टाइप का टेम्परेचर कंट्रोलर है। इसको चेंज करने के लिए स्क्वायर बटन दबाना है और इस तरह करना है। ये जे टाइप, ये वाई टाइप, टी टाइप, आर टाइप, एस टाइप और ये आरटीडी। तो अभी आरटीडी है, हमारा आरटीडी है तो आरटीडी रखना है। आगे डिग्री सेल्सियस करेक्ट। ये सेट पॉइंट लोवेस्ट, ये -150 है, उसको वैसा ही रहने देना चाहिए। ये सेट पॉइंट हाई है, इसको 300 डिग्रीज करना चाहिए। ये FTC 1, ये ACT, ये रिवर्स में रहना चाहिए, करेक्ट है। ये CNT, ये ONF रहना चाहिए, करेक्ट है। और ये रीसेट, ये नो रहना चाहिए, करेक्ट है। अब जिस बटन को दबा के आप अंदर गए वैसे बाहर आना। अब जो सेटिंग हमने की उसको लॉक करने के लिए ये दोनों बटन को साथ में दबाना है। ये सेट पॉइंट है, इसको अनलॉक, ये अनलॉक है UNK, इसको वैसे ही रहने देना चाहिए। आगे बढ़िए, लेवल 1 ये अनलॉक है, इसको लॉक करना है। इसके बाद में ये लेवल 2 LV2 ये अनलॉक है, इसको भी लॉक करना है। लॉक करने के लिए ये बटन दबा के, ये बटन कोई भी एक बटन दबाना है तो वो हो जाता है। उसके बाद बाहर वापस आने के लिए इन दोनों बटन को फिर से 3 सेकंड के लिए दबाना है। ये आपकी सेटिंग हो गई। थैंक यू।